हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम आज मैं आपके लिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं जो है लकार और वचन को बदलना संस्कृत में आपके क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस का लकार चेंज करिए या वचन चेंज करिए उसी को आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में समझाऊंगी सो बी रेडी समझेंगे कि आपको जब संस्कृत का सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में कि उस सेंटेंस का लकार चेंज करिए या फिर वचन चेंज करिए तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक्स हैं उनको जरा ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगी लकार उसके बाद मैं आपको वचन चेंज करना बताऊंगी जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है लकार चेंज करने में कि त्वम सयम पठसि तुम शाम को पढ़ते हो यानी कि ये इसमें आप देखिए तम क्या है करता है सायम मन शाम और फिर क्या है आपकी क्रिया पठसी पठसी यानी कि पठती पठता पठंती इसमें कौन सा लकार है इसमें आपका लट लकार है यानी कि प्रेजेंट टेंस आपके लकार पांच होते हैं लट लोट लिंग लंग एंड रट है ना तो ये सेंटेंस आपका है लट लकार में और आपको चेंज करना है लोट लकार में यानी कि आज्ञार्थक में इंपेरेटिव मूड में आपका प्रेजेंटेंस में है आपको इंपेरेटिव मूड में करना है यानी कि लटलकार से लोट लकार में तो आप क्या करेंगे आप कर्ता के हिसाब से लोट लकार की क्रिया लगा देंगे बस इतना करना है कैसे जैसे आपका हो जाएगा त्वम तो सायम त्वम तो आपका क्या है कर्ता है त्वम तो के हिसाब से हमारी क्रिया लगी हुई है पठसी वर्तमान का लट लकार का क्या है ये मध्यम पुरुष का एक वचन पठती पठता पठंती पठसी तो हमें भी लोट लकार का क्या करना है मध्यम पुरुष का एक वचन लगाना है पठतु पठता पठंतु पठ क्या हो जाएगा पठ तो आपका सेंटेंस का सेंस क्या हो जाएगा तुम शाम को पढ़ो यानी कि आज्ञा दे रहे हैं पहले आपका सेंटेंस था तुम शाम को पढ़ते हो सिंपल था अब हो जाएगा तुम शाम को पढ़ो ठीक है नेक्स्ट है आपका सह भोजनम करोती वह भोजन करता है इसमें भी आपका क्या है करोती क्या है वर्तमान काल लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है क्योंकि हमारा हमारा कर्ता भी क्या है सह तवते में सह क्या है प्रथम पुरुष का एक वचन इसलिए हमारी क्रिया लगी हुई है करोती यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन तो हमें चेंज करना है रिट लकार रिट लकार माने होता है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल ठीक है तो हमें उसकी क्रिया लगानी है प्रथम पुरुष के एक वचन की जिसके रूप चलते हैं करिष्य करती लेकिन हमको लगानी है प्रथम पुरुष का एक वचन बहुत सिंपल है तो हम क्या करेंगे सेंटेंस पूरा लिख देंगे सह भोजनम क्या हो जाएगा करिष्यति करेगा यानी कि करेगा वह भोजन करता है का क्या हो जाएगा वह भोजन करेगा ठीक है नेक्स्ट आपका है थर्ड ते छात्रा लिखंती वे सब छात्र ते क्या होता है सहत वह वे दोनों वे सब वे सब छात्र ते माने वे सब वे सब छात्र लिखंती माने लिखते हैं इसमें भी आपकी क्रिया क्या है वर्तमान का लट लकार का लेकिन ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है लिखते लिखत लिखंती तो ये आपका क्या है कर्ता के हिसाब से प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्योंकि हमारा कर्ता भी क्या है सहत में ते हमारा है प्रथम पुरुष का बहुवचन इसलिए अब हमको चेंज करना है लंग लकार में लंग लकार यानी पास्ट टेंस भूतकाल तो भूतकाल के क्रियाओं में क्या लगता है अ लगता है अपठत अलिखत अगच्छत तो हम इसमें भी अ लगाकर लंग लकार की क्रिया लगा देंगे लेकिन हम कौन से लगाएंगे प्रथम पुरुष का बहुवचन तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा ते छात्रा अलिखत अलिखताम अलिखन प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा अलिखन ते छात्रा अलिखन उन सब छात्रों ने लिखा पहले आपका सेंटेंस था वे सब छात्र लिखते हैं प्रेजेंट टेंस था अब हमने कर दिया पास्ट टेंस उन सब छात्रों ने या वे सब छात्रों ने लिखा ठीक है हमारा फोर्थ सेंटेंस है युवाम चित्रम पश्चेतम तुम दोनों को चित्र देखना चाहिए क्योंकि चाहिए क्यों क्योंकि हमारा पश्चेतम हमारा क्या है विदिलिंग लकार है ना लट है ना लोट है ना लंग है लिंग यानी विदिलिंग लकार है चाहिए वाले अर्थ में का रूप किया गया है यहाँ पर रूप दिया गया है कि तुम दोनों को चित्र देखना चाहिए हमको चेंज करना है लट लकार यानी सिंपल Uh, यानी कि टेंस में तो हम क्या करेंगे हमारा कर्ता क्या है मध्यम पुरुष का द्विवचन हम युवाम युवियम युवाम क्या होता है मध्यम पुरुष का द्विवचन तो हम क्रिया भी कौन सी लगाएंगे मध्यम पुरुष का द्विवचन यानी कि पश्यतम से हम कर देंगे लट लकार का रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पश्यति पश्यतः पश्यंती पश्यसी पश्यथ युवाम चित्रम पश्यथ लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन पश्च तुम दोनों चित्र देखते हो ये हो जाएगा यहाँ था देखना चाहिए था अब हमारा हो गया लकार में देखते हो क्या है श्रगाल अवदत्त श्रगाल यानी कि सियार ने बोला अब अवदत्त यानी कि लगा है लंगलकार हुआ हमें चेंज करना है विधिलिंग चाहिए वाला सेंस में करना है तो हमारे रूप कैसे चलते हैं विधिलिंग के वदेत वाम वदेयू ये था लंगलकार और हमें बनाना है विधलिंग में तो क्या हो जाएगा वदेत वेत वदेयु हमारा करता है श्रगाला यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन श्रगाल एक है तो हम क्रिया लगाएंगे प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्या होगी वदेत वदेत सिंपल वेताम वदेयु में, में पहला क्या आया वदेत वहा वदेत श्रगाल को बोलना चाहिए यह सेंटेंस का सेंस हो जाएगा पहले क्या था श्रगाल बोला या श्रगाल ने बोला श्रगाला अवदत अब हो गया श्रगाला अवधेत श्रगाल को बोलना चाहिए ये थे आपके लकार यानी कि टेंस चेंज करना प्रेजेंट से पास्ट करना यानी कि वर्तमान काल से भूतकाल करना भूतकाल से भविष्य काल करना या फिर आपका लिंग लकार यानी चाहिए के सेंस में लगाना या लोट लकार अज्ञा तक कोई भी लकार दे, दे देंगे आपको उसको आपको सेंटेंस में चेंज करना होगा अब मैं आपको समझाऊंगी सेंटेंस में वचन यानी कि नंबर कैसे चेंज करते हैं ठीक है अब हम सीखेंगे कि जब आपको सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में तो उसका आपको क्या चेंज करना है वचन कोई वचन दे देंगे आपके तीन वचन होते हैं एक वचन दुई वचन या बहुवचन एक दो या बहुत सारे तो आपका सेंटेंस किसी भी वचन में होगा उससे न, उससे डिफरेंट आपको देंगे वचन आपको चेंज करना है जैसे आपका सेंटेंस है फर्स्ट बालका क्रीडंती अब आपका ये सेंटेंस कौन से वचन में है बहुवचन में बालका माने बहुत सारे बालक क्रीडंती माने खेलते हैं तो ये हमारा पूरा सेंटेंस है बहुवचन में हमें इसको चेंज करना है किसमें एक वचन में तो हम क्या करेंगे पहले हम कर्ता चेंज करेंगे बहुवचन से पहले हम कर्ता लगाएंगे एक वचन का यानी कि बालका बालका बालकह बालका बालका माने बहुत सारे बालक और बालकह माने एक बालक हमको लगाना है एक वचन तो हम पहले हम करता चेंज करेंगे इसमें बाल का एक बालक फिर कीडंती है तो क्या हो जाएगा कीड़ती कीडती कीड़ता कीडंती तो एक वचन यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या आएगा कीड़ती बालक खेलता है ये आपका बहुवचन से एक वचन में चेंज हो गया आपने पहले कर्ता चेंज किया एक वचन में देन आपने उसके हिसाब से क्रिया लगा दी एक वचन की ये आपका पूरा सेंटेंस एक वचन में हो गया नेक्स्ट देखिए सह देवम नमतु वह देवता को नमस्कार करे नमतु ये ऊल जब लगता है कौन से होते हैं ये लोट लकार वाले तो आपको रूप भी लोट लकार वाले ही चलाने हैं केवल आपको चेंज करना है वचन अब ये आपका है प्रथम पुरुष का एक सह वह देवता को नमस्कार करें हमको लगाना है बहुवचन तो क्या हो जाएगा सह तु ते सह का बहुवचन क्या होता है ते ते देवम का देवम रहेगा देवम सह देवम क्या होगा नमतु नमताम नमंतु बहुवचन में क्या होता है नमंतु वे सब देवता को नमस्कार करें हो गया आपका चेंज एक वचन से बहुवचन में चेंज हो गया थर्ड देखिए छात्र पठेत छात्र को पढ़ना चाहिए अब ये पठेत क्रिया कौन सी है विधिलिंग लिंग लकार यानी कि चाहिए वाले सेंस में अब हमारा ये सेंटेंस भी एक वचन में है छात्र को पढ़ना चाहिए अब हमको करना है चेंज किस में दुई में यानी कि हमें दो छात्र दिखाने हैं तो हम कहेंगे छात्र 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 छात्रा होता हो है ना तो द्विवचन में क्या होता है छात्र ठीक है तो पठे 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 दो छात्र पठेत पढ़ना चाहिए तो क्या द्विवचन में आया दो छात्रों को पढ़ना चाहिए यहाँ क्या है एक छात्र को पढ़ना चाहिए यहाँ क्या हो गया द्विवचन में दो छात्रों को पढ़ना चाहिए पठेत पठेताम कर दिया हमने सिंपल पहले हम हम क्या चेंज करेंगे सब्जेक्ट देन हम क्रिया चेंज कर देंगे अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है बालिका गीतम गायती बालिका गीत गाती है ये सेंटेंस भी हमारा एक वचन में है अब हमें चेंज करना है बहुवचन में यानी कि अनेक तो हम क्या करेंगे अनेक बालिकाएं गीत गाती हैं तो क्या हो जाएगा बालिका बालिके बालिका ये आपका जो बालिका है ये आकारांत यानी स्त्रीलिंग है तो हम रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग वाले रमा रमे रमा होता है ऐसे ही होगा बालिका बालिके बालिका ये हो गया आपका बहुवचन देन गीतम ये ऐसी रहेगा अनेक बालिकाएं गीत गाती हैं, गायती गायता गायंती हम क्या लगाएंगे फिर प्रथम पुरुष का बहुवचन क्योंकि हमारा कर्ता भी बहुवचन का है तो हम क्रिया भी लगाएंगे बहुवचन की गायंती बालिका गीतम गायंती हो गया आपका एक वचन से बहुवचन लास्ट आपका है जना प्रसन्ना भवंती लोग प्रसन्न होते हैं अब आपका ये सेंटेंस बहुवचन में है अनेक व्यक्तियों को शो कर रहा है और हमें बनाना है एक वचन में तो हम क्या करेंगे पहले स्टार्टिंग में हम जना का लिखेंगे एक वचन जनह जनह जनऊ जना होता है तो एक वचन में क्या होगा जना एक लोग एक व्यक्ति फिर प्रसन्ना भी इन्होंने कर दिया है बहुवचन में इसको भी हम लिखेंगे एक वचन में तो प्रसन्न हो जाएगा आ की मात्रा हटा देंगे हम जना प्रसन्न फिर भवंती का क्या होगा भवती भवता भवंती एक वचन में क्या होगा भवती प्रथम पुरुष का एक वचन जना प्रसन्न भवती ये एक वचन हो गया यानी बहुवचन से हमने पूरा एक वचन में चेंज कर दिया इस तरीके से आपको लकार और वचन सेंटेंसेस के चेंज करने हैं केवल एक डिफरेंस है आपका इसमें कि लकार चेंज करने में आपको कर्ता चेंज नहीं करना है केवल आपको कर्ता के हिसाब से जो लकार पूछा जाएगा उसकी आपको क्रिया लगा देनी है लेकिन वचन में आपको पहले कर्ता चेंज करना है देन आपको उसके हिसाब से क्रिया लगानी है इतना ही डिफरेंस है बाकी इन दोनों को चेंज करना बहुत सिंपल है और आई होप आपको लकार और वचन को चेंज करना आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा फिर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए इतना ही ओके बाय